बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान ने बॉक्स ऑफिस के बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी के रिकॉर्ड्स को पानी की तरह बहा के अपने साथ लेके भी बात करेंगे अजय देवगन की भोला मूवी के बारे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस अजय देवगन की भोला मूवी के 3D सीन्स की हर बंदे ने तारीफ की है, किसी भी बंदे ने नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया भोला मूवी को देखने के बाद। और गाइस ये दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन हमको करती हुई नजर आ रही है। गाइस अगर बात करें 2023 में पठान मूवी नंबर 1 पर आती, जिसने पहले दिन 57 करोड़ का ओपनिंग लेके किया। जेफ चैप्टर, बाहुबली, ट्रिपल आर मूवी सारी मूवीज की कार्ड्स को तोड़ के सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गाइस अगर बात करें तो नंबर 2 पे तू झूठी मैं मकान, नंबर 3 पे भोला मूवी आती जिसने पहले दिन 11 करोड़ का ओपनिंग लिया था। और गाइस अभी बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान आनी बाकी है, जो बॉक्स ऑफिस को एकदम तोड़ के रख देगी, छापा मारेगी। अगर आप दिल से प्यार कर दो इस वीडियो को, दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। गाइस अगर बात करें पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस पठान मूवी अब तक इंडिया ऑल लैंग्वेज 547 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें 528 करोड़ हिंदी बेल्ट में, बाकी के जो 19 करोड़ तेमी तंग और मलन से पठान को कलेक्शन हुआ है। गाइस अगर बात करें भोला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस भोला मूवी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर बात करें पठान मूवी को जो भी कलेक्शन हुआ ओवरसीज ग्रास बाहर की कंट्री से कलेक्शन हुआ है, और हिंदी बेल्ट जबकि तेमी और तंगल से पठान मूवी को ना होने के बराबर कलेक्शन हुआ है, जबकि बाहुबली 2 ने तेमी तंग और मलन से लाइफ टाइम में 500 करोड़ का कलेक्शन किया था। गाइस भोला मूवी 11 दिनों के अंदर इंडिया से 77 करोड़ का कलेक्शन करके ओवरसीज ग्रास में वर्ल्ड वाइड में केवल 11 दिनों के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। गाइस भोला मूवी ने 11 दिनों के अंदर अपना बजट कंप्लीट कर लिया था। अभी डे 12, 30, 40, 50, अभी 16वें दिन का बॉक्स ऐड करना बाकी है, 5 दिनों का बॉक्स और ऐड करना बाकी है। गाइस अगर बात करें भोला मूवी अब तक पूरे 16 दिनों के अंदर इंडिया से 80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अगर बात करें विक्रम मूवी के साथ कंपेयर करते हो, विक्रम मूवी 14 दिनों के अंदर इंडिया से 73 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि भोला मूवी ने 14 दिनों के इंडिया से 76 करोड़ का कलेक्शन किया। गाइस भोला मूवी 15 और 16 दिन का बॉक्स ऐड करके इंडिया से पूरे 80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड में 115 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। 2023 में पूरी दुनिया में टॉप 10 मूवी रिलीज हुई पठान नंबर 10th, जिसने 129 मिलियन US डॉलर कमा के बड़ा रिकॉर्ड कैम कर दिया पूरी ग्लोबली दुनिया में। जैसे अगर बात करें पठान मूवी ने अमेरिका से 17 मिलियन US डॉलर का ट्रिपल आर मूवी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। गाइस पठान मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। गाइस चाहे अजय देवगन की भोला मूवी ज्यादा कमाई नहीं किया, लेकिन अजय देवगन की भोला मूवी की जो एक्शन सीन है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए। और जैसे अगर बात करें 21 अप्रैल को आ रही है भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, जो बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाने वाली है। और किसी का भाई किसी की जान के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये मूवी अपने पहले दिन 100 करोड़ से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में ओपनिंग ले सकती है, जबकि पठान मूवी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड में 115 करोड़ का ओपनिंग लिया था। वैसे अगर बात करें आपकी फेवरेट मूवी कौन सी कॉमेंट सेक्शन में बताना। वैसे अगर बात करें आने वाली मूवीज़ के बारे में, किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को आ रही है, 2 जून को आ रही है जवान मूवी शाहरुख खान की, 16 जून को आ रही है आदिशपुर प्रभास की, और फिर आएगी मैदान अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी जो दंगल मूवी के सेम पे बनने वाली है। अजय देवगन मैदान मूवी में अपने प्लेयर्स को अच्छा फुटबॉल सिखाएंगे। वे बात करें इस मूवी चारों मूवी ब्लॉकबास्टर रहने वाली हैं। वैसे कि आप में इन चारों मूवीज कौन सी फेवरेट, उन चारों मूवीज़ में कौन सी मूवी ब्लॉकबास्टर होगी, सुपरहिट होगी या फ्लॉप होगी, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो 100% रियल है। गाइस आपको जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज सब मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो बिना किसी देरी के लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो हाइप है, वो जो क्रेज है, वो नेक्स्ट लेवल है। पूरा इंडिया सलमान भाईजान के नाम दिस वक्त झूम रहा है, फिर झूमेगा शाहरुख खान के नाम पर। तो दोनों बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार सलमान खान शाहरुख खान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता। गुड बाय।